प्रहेली काहा, जिस पाठ को अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, जिस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसका नाम है प्रहेली काहा। प्रहेली का मतलब पहेलियाँ, रिडल्स जिसे हम बोलते हैं, पजल्स बोलते हैं, वैसी पहेलियाँ संस्कृत में भी होती हैं। उन पहेलियों को हमने पढ़ा था अपने पाठ में, अब हम इस पाठ में करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर और देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो पहेली हमने पढ़ी हैं उसी के संदर्भ में, उसी के संबंध में ये क्वेश्चन है। देखो, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयेत्, श्लोकांशों में रिक्त स्थान भरो। सीमंती नीशु का, यहाँ क्या आएगा, क्या पढ़ा था हमने उसमें, शांता। राजा को भूत गुणोत्तमः, ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ नीचे मैंने दिया हुआ है। यहाँ आपने शांता भरना है और यहाँ भरना है को भूत। तो उसके बाद है हमारे पास कम संजगान कृष्ण, क्या रहेगा यहाँ पर, कृष्ण। तो यहाँ देखो नीचे इस तरह से कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा, यहाँ शीतल वाहिनी आएगा। ठीक है, तो के दार पोषण रता कम बलवंतम न वादते शीतम, वृक्षाग्रवासी नच पक्षी राजा, वृक्षाग्रवासी नच पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी नच शूलपानी। तो यहाँ उत्तर इसका लिख रखा है बच्चों, आप इस उत्तर को अच्छे से देखें और समझें और अपनी कॉपी में भी लिखें। नीचे जाके रिप्लाई में कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमने ये वीडियो देख ली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी क्लास के बच्चे बहुत सुंदर बच्चे कमेंट करते हैं नीचे, तो मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए कमेंट के लिए बोलता हूँ मैं। श्लोकांशान जोड़ेत, श्लोकांशों को आपने जोड़ना है। ठीक है, ये जो श्लोक थे, ये जो पहेलियां थी, इनको आपने यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो मृगात सिंगा प्लायते, ऐसे ही पढ़ा था। विद्वत भी का सदा बंद्या, विद्वानों में कौन सदा बंधित रहती है। इसके आगे, इसके बाद में क्या था, अत्रे भोक्तम न बुद्ध्यते। कम संजगान कृष्ण, कम संजगान कृष्ण, तो आगे क्या था, काशी तलवाहिनी गंगा, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, उसके बाद तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो श्लोकांश हमने जोड़ लिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दो। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत आसान। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीन और ये है उसके आंसर्स। तो यहाँ क्या है, उपयुक्त कथन के समक्ष आपने आम लिखना है और जो अनुपयुक्त है, उपयुक्त मतलब जो अप्रोप्रिएट है, उसके आगे आम, आम का मतलब होता है सही, और अनुपयुक्त होता है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके समक्ष आपने ना लिखना है। ना का मतलब होता है नहीं, आम होता है हाँ, ना होता है नहीं। सिंह करिणाम कुलम हंती, शेर हाथियों के कुल को खत्म कर देता है, हाँ आम। तो कातरो युद्धे युद्धते, कायर जो है युद्ध में युद्ध में लड़ता है, नहीं कातर, कायर तो युद्ध से भाग जाता है, तो इसका क्या होगा, ना। कस्तूरी मृगा जायते, कस्तूरी हिरण से पैदा होती है, ये मैंने बताया था आपको, हाँ होती है। मृगा सिंह पलायते, मृग से शेर भाग जाता है, ना। कंस संजगान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, नहीं, ना। तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्र जो है इंद्र के लिए दुर्लभ है, नहीं। जयंता कृष्ण से पुत्र, जयंत जो है कृष्ण का पुत्र है, हाँ। ठीक है, तो ये आगे हमारे क्वेश्चन नंबर तीन के उत्तर। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमने करना संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेदम पूरयत। तो करिणाम कुलम, करिणाम कुलम, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, यहाँ दो लिखे हुए ना, तो करिणाम कुलम को हम अलग अलग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखा मैंने करिणाम कुलम। फिर उसके बाद है को भूत, इसको अलग अलग करके लिखना आपने दो भागों में, तो यहाँ होगा कहा, यहाँ होगा अभूत, का अभूत। फिर अत्रै उक्तम, ठीक है, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, यहाँ मैंने इसका विच्छेद किया है। तो उसके बाद है वृक्षाग्रवासी, तो वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्षाग्रवासी। उसके बाद त्वग वस्त्रधारी, त्वग प्लस वस्त्रधारी हो गया, त्वग वस्त्रधारी।
विभ्रन्न, विभ्रन्न कैसे होगा, विभ्रत प्लस न। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर। ये हमारा अंतिम पार्ट है। इस पार्ट से हमेशा हमारे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है इस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने। यहाँ हमने क्या करना है, नीचे लिखे पदों का लिंग विभक्ति और वचन जो है वो लिखना है। जैसे यथा का मतलब जैसे, ठीक है। करिनाम ये एक पद है, करिनाम ये बच्चों यहाँ आना चाहिए था लेकिन ये गलती से यहाँ आ गया, ठीक है। करिनाम पद है, लिंग है इसका पुल्लिंग, विभक्ति है इसकी षष्ठी और वचन है इसका बहुवचनम। इसी तरह से हमने कस्तूरी का बताना, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ठीक है। तो चलिए उत्तर में जानते हैं हम क्या है रहेगा इसका उत्तर। ये देखिए इनके उत्तर, ठीक है। यहाँ आपने भरने हैं कस्तूरी के बाद में। कस्तूरी पद है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एकवचनम है, ठीक है। यहाँ इसको आप इस तरह से समझेंगे। उसी तरह युद्धे पुल्लिंग है, सप्तमी है, एकवचनम है। सीमंतिनीषु स्त्रीलिंग है, सप्तमी बहुवचन है। बलवंतम, बलवंतम जो है वो है नपुंसक लिंग या क्लीव लिंग भी बोल सकते हैं, द्वितीय एकवचन है। शूलपाणि पुल्लिंग है, प्रथमा एकवचन है, या शक्रस्य पुल्लिंग है और षष्ठी एकवचनम है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है। विलोम शब्दों को आपने जोड़ना है, ठीक है। जायते, जायते का विलोम क्या होगा। जायते मतलब उत्पन्न होता है, मृयते मतलब खत्म होता है। वीर, वीर का अपोजिट क्या होगा, तो वीर का होगा कातर, कायर। अशांता का सीधा सा अशांता, मूर्खा, मूर्ख का क्या होगा, विद्वान, विद्वद भी, अत्रैव। तो इन सब के हम आंसर्स जो हैं देखेंगे अपने यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। ये रहे हमारे आंसर। जायते के सामने हम जोड़ेंगे म्रियते, वीरा के आगे कातरा, अशांता के आगे शांता, मूर्खे के आगे विद्वद भी, अत्रैव तत्रैव आगच्छति पलायते। उसी तरह से ये जो ब्रैकेट दी हुई है इसमें से अप्रोप्रिएट ढूंढ के आपने यहाँ पर लिखना है, अर्थात समानार्थक लिखना है। करिनाम मैंने बताया था हाथी को कहते हैं, गजानाम। अभूत अभवत, बंद्या वंदनीय, बुध्यते अवगम्यते, गटहा कुंभहा, संजगान, संजगान का होगा अमारित, ठीक है। ये इसका उत्तर रहेगा, इसका इसका ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 के आ और आ के उत्तर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 अंतिम प्रश्न है ये। यहाँ एक कहानी होगी आपकी बुक में, पेज नंबर 115 पे एक कहानी है जिसको आपने पूरा करना है। विभक्ति के साथ इसको अच्छे से जोड़ना है। आकाश की विभक्ति बनानी है अपने। आकाश को कैसे लिखेंगे, एक का कहा आकाश ड्यामाना हसी, इसका मतलब होगा एक कौआ आकाश उड़ रहा था, आकाश में, आकाश में की संस्कृत होगी आकाशे, ठीक है। उसके बाद त्रिशार्ता सहा जलस्य अन्वेषणम करोति, जल का हो गया हमने क्या लिख दिया हम जलस्य। फिर उसके बाद तदा सा गटे गड़े में अल्पम जलम पश्यति, सा पश्यति, ठीक है, यहाँ पश्यति हो गया। फिर उसके बाद सहा उपलम आनीय गटे पातयति, ठीक है, गटे पात आनीय गटे गटे पातयति। फिर जलम गटस्य उपरी आगच्छति, जल गड़े के ऊपर आ जाता है। काका सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति। तो इस तरह से ये कहानी जो थी हमारी संपन्न हुई, संपूर्ण हुई। इसमें 7 ही प्रश्न थे जिन्हें हमने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे लाइक बटन दबाएं, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बाकी वाले जो लेसन्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ें और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लें, ठीक है। तो दूसरी वीडियोस भी देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।